जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था, इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। देखिए बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं, तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ से उसका दर्शन भी करें। अच्छा है, ये बोलने से नहीं चलेगा कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, चलना चाहिए। सरकार बन चुकी है, सांसदों ने शपथ ले लिया है, स्पीकर भी पदासीन हो चुके हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ लोकसभा सत्र का विधिवत आगाज भी हो चुका है और हंगामा वो भी शुरू हो गया है जिसके संकेत पहले ही विपक्ष ने दे दिए थे। इस बार विपक्ष ने पिछले साल मोदी द्वारा संसद में स्थापित राजदंड सिंगोल को लेकर हमला बोला है। सपा सांसद आर के चौधरी ने चिट्ठी लिखकर स्पीकर के आसन के पास स्थापित सिंगोल को राजशाही का प्रतीक बताकर उसे हटाने की मांग कर नए विवाद को पैदा कर दिया है। अगर देश में लोकतंत्र बचाना है तो सिंगोल काटाना है। भारत में संविधान है और देश संविधान चलेगा, यहाँ लोकतंत्र है, तो निश्चित तौर पर हमारा जो प्रयास है कि संसद भवन से सिंगोल हटना चाहिए और एक विशाल का प्रति संविधान के महास्थान। वहीं जब अपने सांसद की इस मांग पर अखिलेश यादव से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। नहीं, ये तो परंपरा है, ये हमेशा होता है और हम लोग सब सुनते हैं उनका। वो दरअसल सरकार का भाषण होता है। सिंगोल हटाने को लेकर के आपके सांसद कह रहे हैं कि सिंगोल हटाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था, इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए जो राय उस समय मेरी थी मैंने ट्वीट किया था, आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अभी जो है रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा, जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। सुना आपने अखिलेश ने बात को कैसे गोलमोल घुमा दिया, तो चलिए हम ही आपको बता देते हैं अखिलेश ने सिंगोल को लेकर पिछले साल क्या पोस्ट किया था। पिछले साल 26 मई को सोशल साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा था कि सिंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। अब अखिलेश के तब का पोस्ट आज के समय कितना प्रासंगिक है ये तो वही जाने, लेकिन अपने बयानों से अखिलेश ने ये तो इशारा कर दिया कि संसद में सिंगोल की स्थापना उन्हें पसंद नहीं है। बहरहाल सिंगोल को लेकर अखिलेश नहीं बल्कि आरजेडी सांसद मीसा भारती ने सपा सांसद की मांग को सही बताया है और कहा है कि सिंगोल की जगह भारतीय संविधान की प्रति लगाई जानी चाहिए। देखिए बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं, तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ से उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है बहुत अच्छा और हम लोग उसको सपोर्ट करना। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये तमिलनाडु और तमिलनाडु के लोगों का संस्कृति है, राजतंत्र रहा नहीं और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद सिंगोल उठाने की मांग का समर्थन कर रहे हैं और संविधान के सम्मान की बात कह रहे हैं। अच्छा है, ये बोलने से नहीं चलेगा कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, चलना चाहिए, चलेगा तभी देश में बदलाव होगा और अखंड भारत भी तभी बनेगा, मजबूत भारत भी, अशोक सम्राट अशोक के सपनों का भारत भी तभी बनेगा जब संविधान के आधार पर देश चलेगा और सबको मौका मिलेगा, कल से हमने शुरुआत कर दी है। वहीं सपा समेत तमाम विपक्षी दलों की इस मांग पर बीजेपी भड़क गई है। सीएम योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि समाजवादी पार्टी के मन में भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं है, सिंगोल पर उनके शीर्ष नेताओं की टिप्पणी निंदनीय है और उनकी अज्ञानता को दर्शाती है, ये विशेष रूप से तमिल संस्कृति के प्रति इंडिया अलायंस की नफरत को भी दर्शाता है। सिंगोल भारत का गौरव है
और ये सम्मान की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संसद में सर्वोच्च सम्मान दिया। बता दें कि संसद में स्थापित किए गए सिंगोल का आधुनिक इतिहास भारत की आजादी के साथ जुड़ा है, जब तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सिंगोल सौंपा गया। वही प्राचीन इतिहास पर नजर डाले तो सिंगोल राज्य का उत्तराधिकारी सौंपे जाने का जीता जागता प्रमाण होता था। सिंगोल के सूत्र चोल राज शासन से जुड़ते हैं। इसकी उत्पत्ति तमिल शब्द सेमई से बताई गई है। सेमई का अर्थ है नीति परायणता, यानी सिंगोल को धारण करने वाले पर यह विश्वास किया जाता है कि वो नीतियों का पालन करेगा। सत्ता का उत्तराधिकार सौंपते हुए पूर्व राजा नए बनने राजा को सिंगोल सौंपते थे। इस तरह के राजदंड का जिक्र महाभारत में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के दौरान भी मिलता है, जहां शांति पर्व में इसके जिक्र की बात करते हुए कहा जाता है कि राजदंड राजा का धर्म, दंड ही धर्म और अर्थ की रक्षा करता है। आपको क्या लगता है, लोकतांत्रिक देश भारत में राजदंड सिंगोल के खिलाफ विपक्ष की मांग कहां तक जायज है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।